हेलो, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल तो मेरे प्यारे बुजुर्गो, थम स्लीव्स लगाऊंगा, मेरा एम परफेक्ट हो जाएगा, मेरा ना अब बंदे जल्दी मरेंगे, सब यूज़ करते हैं प्रो प्लेयर, मैं भी यूज़ करूंगा, ठीक है, तो मेरा एम भी परफेक्ट हो जाएगा। उसके साथ वो जो एम होता है ना, वो बिल्कुल करेक्ट लगता है, इधर उधर नहीं होता, ठीक है। हाँ सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, इस वीडियो में मैं आपको थम स्लीव्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तो आए जालमो, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बुजुर्गों, वीडियो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, वी आर हेयर, ठीक है। तो अब ये थम स्लीव इसे कहते हैं। बाय द वे, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझसे नहीं खेला जाता इस पर। तो शायद अगर मैं कोई मतलब बेटर कंपनी वाले लूँ जो मतलब मोबाइल पे बिल्कुल टच मतलब बेटर काम करे, ये ऐसे मतलब जो नॉर्मल्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल भी सही काम नहीं करते, उनको बहुत ही मतलब कहते हैं कि जोर देना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद काम करती है। जैसे कि ये देखो ना, ये अभी काम नहीं करी, मैं उंगलियाँ टली से थोड़ा सा ज़ोर दोगे तब काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी पे भी फ़र्क करता है, इनकी मतलब जो थम स्लीव्स होते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ठीक है। इनकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब एक होती है फर्स्ट पे आती है, दूसरी सेकंड मीडियम पे आती है, और फिर उसके बाद आती है जो बेटर क्वालिटी ब्रांड्स के होते हैं, तो वो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये चीज़ें हो गई, सेकेंड में थिक आती हैं जो मतलब पतली होती हैं, उसके बाद आती हैं ब्रांड वाली चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कि आपको ये चीज़ पता चल गई है कि इनमें से क्वालिटीज़ होती हैं, क्या इसमें से क्वालिटीज़ होती हैं। अब सेकंड बात पे आते हैं, वो है एम। लोग कहते हैं इससे एम परफेक्ट हो जाता है, चलो ये अच्छा सा मजाक है, क्योंकि एम डिपेंड करता है आप पे, ना कि इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आप थम स्लीव्स लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका ना एम इससे बेटर हो जाएगा, आपका ना इससे एक्यूरेसी, आपके एम की एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। अगर किसी यूट्यूबर ने बोला तो सही फुद्दू बनाया आप लोगों को, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता थम स्लीव से जस्ट ये होता है कि जब स्क्रीन पे वो आता है ना, मतलब पसीना मसीना आता है, तो वो उससे अवॉइड करता है, मतलब स्क्रीन अवॉइड होती है पसीने से, और बाकी होते थोड़ा स्मूथ हो जाती है गेम, ठीक है। इतना ही है, ना कि आपका ये होगा कि आप मतलब कह रहे हो कि मैं ना थम स्लीव्स पहनूंगा तो मेरा जो एम ख़राब है, यहाँ से मैं ऊपर नहीं ले जा पा रहा तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, या फिर मैं बंदा जा रहा है अचानक मेरा एम उसके ऊपर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो ओ भाई साहब मोबाइल के लिए सॉरी, आपका जो एम है वही रहने वाला है। अब बात आती है कि थम स्लीव्स जो होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप यूँ मतलब अंगूठों से यूज़ कर रहे हो, अगर आप थम स्लीव उठाते हो तो वो स्मूथ होता है, हाँ होता है, मानता हूँ, ठीक है। जो ये एक और स्टेप है कि स्क्रीन के ऊपर स्मूथनेस और हार्डनेस की बात आती है, तो अगर आप विदाउट थम स्लीव यूज़ करोगे तो ये थोड़ा हार्ड होता है स्क्रीन, अगर थम से यूज़ करोगे तो स्क्रीन स्मूथ होती है, ठीक है। तो इससे मतलब सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट करता है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सेंसिटिविटी आपको थोड़ी हाई चाहिए, यहाँ पे आपको लो चाहिए, बट बिल्कुल भी ना हिलाएं, जो सेंसिटिविटी आपकी परफेक्ट है वही रहने दे। रीज़न ये है कि इस पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, बाकी सेट हो जाएगा, आपका रिकॉयल सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। बिल्कुल आपने नहीं हिलाना, जैसा आपकी सेंसिटिविटी है वैसे ही रहने दे, इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की वजह से अपनी सेंसिटिविटी ना ख़राब करे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से इतनी बातें हैं, बस एक बात कि इनमें होती है कंपनी के फ़र्क, ठीक है। कुछ के मतलब जो मतलब नॉर्मल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, और फिर उसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी वाले यूज़ करेंगे तो इससे आपका एम मतलब एम तो बैठा नहीं होगा, फिर वही आपकी बात मेरे दिमाग पे आ गई है। बस आपका ये होगा कि आपके जो वो कहते हैं ना स्क्रीन पे जो पसीना अगर आपके हाथों पे आता है तो वो इससे प्रिवेंट होगा, हटेगा, बाकी ऐसा कोई भी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं ना ये वाले, ये तो इस पे बिल्कुल भी आप नहीं खेल सकते। अगर आप ये कहते हो कि आप मतलब मैंने तो थम स्लीव लिए हुए थे, ये तो सही काम नहीं कर रहे थे, तो ये आपने लो क्वालिटी के लिए होंगे जो मेरे पास है, ठीक है, इससे गेम नहीं खेली जाती। मैं बाय द वे खुद भी नहीं खेलता थम स्लीव्स पे, मैं फिंगर्स पे ही खेलता हूँ, ठीक है। मुझे ना मतलब पसीना तो मेरे उंगलियों पर आता नहीं है, तो मुझे नहीं ज़रूरत थम स्लीव्स की। अगर गर्मी आए शायद फिर मुझे हो, तब मैं इंशाल्लाह ब्रांड वाले मंगवाऊँगा। तो
आप भी कोशिश करें कि ब्रांड वाले यूज़ करें ना कि ये, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, बहुत लोग कह रहे थे कदीर भाई गेम प्ले गेम प्ले गेम प्ले अपलोड करो, अभी ये वीडियो थी तो छोटी थी, तो मैंने कहा चलो इसके आगे अपनी गेम प्ले अपलोड कर देते हैं, बुजुर्ग को वीडियो को एंजॉय करें, गेम प्ले को एंजॉय करें। बाकी अगर आप लोगों को कोई इशू है तो कमेंट में नीचे बता देना, और गेम प्ले कैसे लगी लाजमी बताना, ठीक है। टेक केयर। You're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, bro. You gotta take it slow, you need to be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it, this is what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. नहीं नहीं कसम से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अरे नहीं कसम से कैसे मारा है? मैं कदीर के साथ ही गलत प्लान किया है। You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not gonna strike it. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. No, you're too straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so loud, you better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out, it's about to head south. You're never gonna make it. Close me. अभी मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा कि भी मारा है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि थम्सली होते क्या हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना, किसने करना है, किसने करना है, सब कुछ समझ आ गई। मेरे प्यारे बुजुर्ग को अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। और हाँ, ये जो मुनाफिक लोग हैं इनसे दूर आ करो, मलंग लोग बना करो, ठीक है। कुछ लोग ना मलंग बनते हैं लेकिन क्या कह सकते हैं, बस बनने की कोशिश करते हैं, होते नहीं असल में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग को अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।